तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के जंगलों में लपटों का कोहरा। उत्तराखंड के जंगलों में इन दिनों लपटों का तांडव देखने को मिल रहा है। आग की वजह से इस इलाके में शिकारियों का जाना बताया जा रहा है। इस इलाके में रहने वाले पशु इन घाटियों में आ जाते हैं जब चेंज ऑफ वेदर होता है, माइग्रेट होते हैं ये और यहाँ आ जाते हैं, जिससे जिसे पशु तस्करों को शिकार करने का मौका मिल जाता है। दरअसल पशु ठंड के मौसम में जानवर घाटियों की तरफ रुख करते हैं, जिसका फायदा वन्य जीव तस्कर आग लगाकर पहाड़ों को जलाते हैं। इसका सीधा सीधा वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कोमल मेहता हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। कोमल, मुझे ये बताइए कि क्या ये सिलसिला हर साल होता है? अगर हर साल है तो फिर क्यों नहीं इसको रोकने की कोशिश की जाती है? अभी क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है, क्या बताया जा रहा है? देखिए श्वेता, जिस तरीके से उच्च हिमालय के जो तलहटी वाले जो बुग्याल है, पंचशीली के बेसिक बेसमेंट जो ये है, कमोवेश हर साल की स्थिति इसी तरीके की इन दिनों आ जाती है। कहा यह जाता है कि जो शिकारी होते हैं अवैध तरीके से, क्योंकि जानवर जब जंगलों में होता है आग लगने की वजह से वो निचली तरफ को आता है, तो इसलिए ये लोग आग लगाते हैं। लगातार सरकार दावे करती है, वन विभाग लगातार कॉम्बिंग करता है, बावजूद इसके कभी भी वो शिकारी पकड़ में नहीं आते, क्योंकि स्थानीय लोगों का इसमें काफी ज्यादा मिलीभगत रहती है और बाहर के लोग भी, लोगों को भी स्थानीय लोग संरक्षण देते हैं, इस वजह से लोग पकड़ में नहीं आते। इस बार जिला प्रशासन स्ट्रिक्ट तौर पर इस बात को कह रहा है कि अगर इस तरीके के अगर वाक्य लगातार दोहराए जाते हैं, क्योंकि पहले भी हुए हैं, अगर बारिश हो जाती है तो। कोमल देखिए, यहाँ पर दो तरीके से नुकसान हो रहा है। एक तरफ पशुओं जिनको जिनका शिकार किया जा रहा है, ये वो है जो कि दुर्लभ है। दूसरा ये कि जंगलों को नुकसान हो रहा है, सीधा सीधा पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्यों अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही प्रशासन सरकार? देखिए श्रोता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से जिला हवाली प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा इस पूरे वाक्य पे अपनाई जा रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जिस तरीके से जो दुर्लभ प्राणी वन विभाग के अंतर्गत होते हैं, इन जंगलों में होते हैं, उनका संरक्षण न करना, दावे प्रतिदावे बहुत ज्यादा किए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत होती है तो वो बयान सबके सामने चीजें आ रही हैं कि किस तरीके से उनको अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जी चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पशुओं को भी बचाना है, जंगलों को भी बचाना है, और ऐसे में सख्ती भरा कदम उठाना होगा जो फिलहाल नजर नहीं आता। हर साल ये देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है प्रशासन। अब देखिए एक चौंकाने वाली तस्वीर जो भोपाल नगर निगम में बैठक के दौरान सामने आई। कुछ पार्षद एक दूसरे की फोटो लेते नजर आए। दरअसल नगर निगम परिषद की विशेष बैठक के दौरान शहर में पानी की किल्लत पर चर्चा हो रही थी, और चर्चा के दौरान कुछ पार्षद हंसी मजाक करते नजर आए, फोटो लेते नजर आए। पार्षदों के व्यवहार पर सवाल किया गया तो नगर निगम अध्यक्ष गोलमोल जवाब देते नजर आए, तो वहीं कांग्रेस ने पार्षदों के व्यवहार की निंदा की है। ये देखिए यहां पर किस तरीके से इस गंभीर मुद्दे को सुलझाया जा रहा है, हंसी मजाक करके, फोटो लेकर, फोन पर बातचीत करके, ऐसे लग रहा है जैसे किसी पार्टी चल रही है, चर्चा कम मौज मस्ती ज्यादा नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा अगर कुछ देखने को मिल रहा है तो वो है फोटो लेने का क्रेज। अब ये कोई पार्टी हो रही है यहाँ पर, जिस तरीके से ये महिलाएं लोगों की समस्या को समझ रहे हैं। देखिए जरा ये पानी की किल्लत ऐसे दूर की जा रही है, फोटो खींचकर, आपस में हंसी मजाक करके। अब कितना गंभीर है ये लोगों के मुद्दे पर, ये साफ तौर पर नजर आता है। यहाँ पर सवाल भी उठाता है कि ये किस तरीके के पार्षद हैं, किस तरह कैसे ये लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे, और आखिरी में हीला हवाली कर दी जाएगी कि नहीं, हमें सहायता नहीं मिलती। देने के लिए हमारे साथ मकरंद, मुझे ये बताइए ये किस तरीके से लोगों की समस्याओं को हल करने की सोची जा रही है? क्या वाकई ये खुद को जनप्रतिनिधि कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि लोगों की समस्याओं से सीधा सरोकार है इनका? देखिए बेशक शर्मसार कर देने वाला वाकया वहाँ पर हुआ, ये कोई पिकनिक स्पॉट की फोटो या फिर किसी टूरिस्ट स्पॉट की फोटो नहीं है। दरअसल ये गर्भगृह है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नगर निगम परिषद का। ये गर्भगृह के दौरान, गर्भगृह के अंदर
जब चर्चा चल रही थी पानी के मुद्दे पर कि पानी आम लोगों को नहीं मुहैया हो पा रहा है, उस दौरान तमाम जो पार्षद है या तो सेल्फी ले रहे थे, एक दूसरे के फोटो खींच रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, गड़बड़ियां कर रहे थे। तो ये एक किस तरह की परंपरा मुझे समझ नहीं आता। पार्षदों को जन समस्याओं के मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय सेल्फी लेने में वो व्यस्त थे, और पानी जैसे गंभीर मुद्दे पर जहाँ भोपाल में आधे से ज्यादा भोपाल में पानी की किल्लत है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है और वो भी गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, तो ऐसे में पार्षद गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय, उसमें शामिल होने के बजाय एक दूसरे के फोटो खींचते और सेल्फी खींचते नजर आए, वो भी सभागृह के गर्भगृह में। तो मकरंद, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे दिलचस्प बात तो ये कि तस्वीरें जरा सामने आ गई, और अगर ये तस्वीरें बाहर नहीं आती तो ये शायद कहा जाता, यही लोग कहते नजर आते कि नहीं, बहुत चर्चा की गई, समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी। गंभीर कितने ही समझ में आता है। तो वाकई ऐसे लोगों की समस्याओं का हल किया जाएगा, कितने गंभीर है ये पार्षद ये नजर आता है इनके रवैये को देखते हुए। अब बात करते हैं मिड डे मील, जहां पर बच्चे मिड डे मील ले, सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षित हो, ये कोशिश सरकार की होती है, लेकिन इसको पूरा कैसे किया जा रहा है इसकी तस्वीर भी हमें देखने को मिलती है। बच्चों से बर्तन धुलवाकर बच्चों को बर्तन धोने पड़ रहे हैं शिक्षा के मंदिर में, उनके भविष्य से सीधा खिलवाड़ हो रहा है, ये हाल है यूपी के स्कूलों का। केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा के स्तर को सुधारने के लगातार दावे कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एक प्राइमरी स्कूल से जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे छात्रों का भविष्य अंधेरे में ही नजर आ रहा है। अब आपको हम प्राथमिक विद्यालय मतनौरा की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जो यहाँ पर ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई कैसे करवाई जा रही है, पढ़ाई कब, ये बच्चे बर्तन धोते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये गए तो थे अपने भविष्य को सुधारने के लिए, संवारने के लिए, शिक्षा को हासिल करने के लिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इनके साथ बर्तन धुलवाए जा रहे हैं इन बच्चों से। छात्र हैंडपंप के चारों ओर इकट्ठा होकर ठंड में किस तरह से छोटे बच्चे ये और बर्तन धो रहे हैं यहाँ पर, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल को इसे कोई सरोकारी नहीं है, वो तो पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। यहाँ जो खाना आता है ठेके पर आता है जी, ठेकेदार खाना देता है, ग्राम का प्रधान जो है वो खाना बनाने के लिए तैयार नहीं है जी, तो बच्चों को हम खाना खुद अपने आप बांटते हैं। अच्छा, तुम ये ठेकेदार कैसे आता, कौन लेकर आता? वो गाड़ी में लेकर आते हैं, मारुति वैन है, मिड डे मील आता होगा बच्चों का, मिड डे मील आता है। हाँ जी, हाँ जी, सभी स्कूलों में वो वितरित कर देता है बच्चों के हिसाब से, तो बच्चे अपने अपने बर्तन ले जाते हैं। मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, खबर दिखाए जाने के बाद कोई एक्शन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर साफ तौर पे तो ये कहा जा रहा है प्रधान अध्यापक की तरफ से कि नहीं, लोग मिड डे मील लेकर आते हैं, उनको बच्चों को दिया जाता है, वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। कुल मिलाकर कुछ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है इस मामले पर? आपको बता जाऊंगा कि खबर 24 चलने के बाद बीएसए से हमारी बात हुई, बीएसए का साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी टीचर है जिसने बच्चों से जो है ठंड में जो बर्तन धुलवाए हैं उस पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, मगर अभी भी अब कैमरे पे जब उनसे हमने बाइक लेने की बात करने की बात की तो कैमरे पे अब भी उन्होंने सामने आने से मना कर दिया, हालांकि कार्रवाई की जरूर बात कर रहे हैं जी। तो कार्रवाई कब की जाएगी जी? बीएसए का कहना है, साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी टीचर है उसको जो है जांच कराकर इसमें जो है उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी जी। बिल्कुल, चलिए ताहिर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंस्पेक्शन नहीं होता है इन स्कूलों का, ये भी साफ तौर पे नजर आता है, शायद इंस्पेक्शन हो रहा होता तो एक डर होता कि पता नहीं किस वक्त इंस्पेक्शन हो जाए, असलियत सामने आ जाए। बीएसए जिसको अब तक शायद एक तरीके से एक्शन लेने की ओर आगे बढ़ना चाहिए था, वो कहा जा रहा है नहीं, पहले जांच कर लेंगे फिर देखते क्या कर सकते हैं। और अब खबर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से, जहां पर यूएन ऑफिस के बाहर एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। पुलिस के मुताबिक करीब 10 से 14 की संख्या में आतंकी शहर में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग में अब तक 6 लोगों की जान भी जा चुकी है, जिनमें 3 पुलिसकर्मी है जबकि 3 आम नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं। यूएन दफ्तर के पास शरीना मॉल है जिसके बाहर हैंड ग्रेनेड से ब्लास्ट किया गया, ये आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं जकार्ता की, जहां पर पूरे एरिया को घेर लिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अभी भी अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, आतंकियों की संख्या बताई जा रही है 10 से 14, अब तक 6 ब्लास्ट हो चुके हैं। हैंड ग्रेनेड से पहले यूएन ऑफिस को निशाना बनाया गया, जैसे ही धमाका हुआ
उसके बाद एक के बाद एक फायरिंग शुरू हो गई, 6 ब्लास्ट किए गए और यह भी समझा जा रहा है जो पास में मॉल है, जैसा आप देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में मॉल है पास में, उसके अंदर जो थिएटर है उसमें आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से उसके मुताबिक। तो एक के बाद एक अलग अलग जगहों को टारगेट कर रहे हैं आतंकी दहशतगर्द। तो जकार्ता में हमले की 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से टारगेट किया गया यूएन ऑफिस को सबसे पहले, और हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया आतंकियों की तरफ से। तो दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर आतंकियों को देख पा रहे हैं, सफेद कपड़ों में आतंकी इस गाड़ी से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके हाथ में एक गन है और वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। शरीन मॉल जो पास में बताया जा रहा है, नाकेबंदी कर दी गई है वहां पर, और ये समझा जा रहा है कि जो आतंकियों की संख्या है वो 10 से 14 है, और ये भी मान के चला जा रहा है कि शरीना मॉल जिसमें छिपे हो सकते हैं आतंकी। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है, एक के बाद एक फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, और इस बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वहां जो लोग हैं उनको वहां से हटाया जाए। लेकिन इंडोनेशिया के जकार्ता में ही धमाका नहीं हुआ है, बल्कि टर्की से भी ऐसी ही खबरें मिल रही हैं जहां पर बम धमाके की खबर है। यहां ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं, और ये जानकारी मिल रही है न्यूज एजेंसी AFP के हवाले से, यानी इंडोनेशिया का जकार्ता जिसको दहशतगर्दों ने दहलाने की कोशिश की, तो वहीं टर्की में भी हमला किया गया है, 5 लोगों की मौत हो गई है इस ब्लास्ट में जबकि 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर इन हमलों में किन लोगों का हाथ शामिल है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, किसी ने भी इन हमलों की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है, लेकिन एक के बाद एक दहशतगर्द जो अलग अलग जगहों को अपना निशाना बना रहे हैं। तो चलिए इन खबरों से अलग एक ऐसी खबर के बारे में अब हम बात करते हैं जिसके बारे में आप सोचकर दंग रह जाएंगे। आरोप है कि एक शख्स ने दोस्तों के साथ मिलकर पहले अपनी प्रेमिका का गैंगरेप किया और उसके बाद उसका सौदा कर दिया। पीड़ित यूपी के रामपुर की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि 7 जनवरी को स्कूल से घर लौटते समय प्रेमी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पीड़ित को अगवा किया, जबरन कार में डालकर निबोरा नाम के गांव ले गए जहां तीनों ने मिलकर गैंगरेप किया, और उसके बाद छात्रा के प्रेमी ने अपने एक दोस्त को 1 महीने के लिए सौंपने के एवज में 70,000 की मांग की, लेकिन किसी तरह मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने संभल के हयात नगर के से छात्रा को बरामद किया। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो पाई है, केस जरूर दर्ज हो चुका है लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। विकास इसके ये विदेश नाम का लड़का जो है इसके हाथ बेच रहे थे ये लोग मेरी लड़की को। अच्छा। 70,000 में किसको बेच रहे थे? इसको विदेश को। विदेश को कौन बेच रहा था? यही विकास। अच्छा, फिर? फिर सर मुझे जानकारी मिली तो मैं आज आया हूँ। एक लड़की जो है किसी अन्य जनपद की है, रामपुर की रहने वाली, वो यहाँ पर आई है। थाने की फोर्स, महिला कांस्टेबल और मेरा उनके साथ पहुँची। उस लड़की को उन्होंने वहाँ से ले लिया है और उस लड़की को अब न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। उस लड़की के महिला कांस्टेबल, महिला सस्पेक्टर के सामने जो बयान होंगे उसके आधार पर मुकदमा लिखवा के कार्रवाई की जाएगी। इसके वाली बात अभी उस लड़की ने नहीं बताई मुझे कि उसको कहीं बेचा गया। मोहम्मद ताहिर है ज्यादा जानकारी देने के लिए। ताहिर, किसी गिरफ्तारी हो पाई है? लड़की कुछ बता पा रही है? कोई जानकारी दे पा रही है अभी? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी लड़की से अभी इनकी पुलिस पूछताछ कर रही है, और इसके पिता का आरोप यह है कि संभल पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है और संभल पुलिस कार्रवाई से बच रही है। मामला ये है कि ये मामला रामपुर जनपद का है, तो पुलिस इस मामले में किसी भी कार्रवाई से बच रही है। चलिए सुनील, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से आ रही है जहां पर भौरी में पेंट की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है पेंट की फैक्ट्री आग कितनी भीषण होगी, जिसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं आग की, तेज लपटें उठ रही है। केमिकल फैक्ट्री है,
और आग जो तेज होती लगातार नजर आ रही है, बुझाने की कोशिशें दमकल की गाड़ियां कर रही हैं। एक गाड़ी फिलहाल यहां पर पहुंची आग को बुझाने के लिए। केमिकल पेंट की फैक्ट्री है जिसमें भीषण आग लगी, लेकिन आग लगी कैसे ये अभी तक नहीं पता लग पाया है। आज पूरा देश मकर संक्रांति मना रहा है। अब हम आपको आस्था की डुबकी की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये भी बताएंगे किस तरह से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति मनाई है। अहमदाबाद की तस्वीरें हैं, हालांकि आज पतंग भी उड़ाई जाती है बहुत जगह पे, और ये हमें देखने को मिल रहा है गुजरात में। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, इन्होंने पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का पर्व मनाया है। तो कहीं आस्था की डुबकी लग रही है, कहीं नई फसल की पूजा की जाती है बिहू के तौर पर, नया साल मनाया जाता है कहीं पर। जनापे तो मारी को